हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ आलू चाट। और आपको वैसे सब लोगों को आलू चाट बहुत पसंद रहती है, खासकर बच्चों को। इसलिए बच्चों की फरमाइश से आज मैं बनाना चाह रही हूँ आलू चाट। देखते हैं मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और बताना कि आप भी ऐसे ही बनाती हो और मेरी आपको ये चाट बनाने की प्रक्रिया कैसी लगी आप एंड में बताना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कैसा आया। देखिए आलू चाट बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए ये बता देती हूँ आपको। पहले मैं ये फेटा हुआ दही है, ये हरी मिर्च है, कुटी हुई हरी मिर्च है, ये अदरक है, ये भी कुटा हुआ है, ये हरी चटनी है, ये गार्निश के लिए बारीक वाले सेव हैं, ये प्याज है, ये कटी हुई टमाटर है, प्याज है, और ये चाट पाउडर है, और ये खट्टी मीठी चटनी है। इसके लिए हम उबले हुए आलू लिए, मैंने पहले उबाल के रखे थे। ये मैंने 7-8 कटे ऐसे आलू वाले थे, काट के बहुत बड़े बड़े आलू थे, इसलिए मैंने ये हम
इस तरह से हम कुछ टिक्की इस तरह से बनाएंगे। इतनी टिक्की हमारी ये चपटी वाली बना ली है। अब मैं तुम आपको दूसरी तरह की टिक्की बनाना बताऊंगी, जो जिनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर वो भी चपटी हो जाती हैं, ये लड्डू वाली, ये भी हम बना लेंगे। टिक्की बार बार क्या हाथ बिगाड़ना, इसलिए एक टिक्की हम इकट्ठी बना लेते हैं। ये गोले भी मैं बना लेती हूँ। टिक्की हमारी बन के रेडी हो चुकी है। ये गोला वाली बनाई है, इनको हम फ्राई करेंगे, और ये चपटी वाली बनाई है, इनको हम अच्छे से सेकेंगे दोनों साइड। अब इनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा अरारोट पाउडर डालेंगे और फिर इनको दोबारा से मल देंगे, जिससे अरारोट इनके अंदर और मिक्स हो जाएगा, ऊपर से थोड़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। ये अरारोट पाउडर ले लिया है हमने, अब थोड़ा थोड़ा इसके हम ऊपर डाल देंगे और इनको ऐसे कर देंगे। चारों तरफ इनके ऊपर अरारोट पाउडर लग गया है, अब कुछ इनके ऊपर भी डाल देंगे ऐसे, इनके ऊपर भी अच्छे से कोटिंग हो जाए। एक एक कोटिंग इसकी अरारोट पाउडर की कर लेते हैं। अरारोट पाउडर हमें ज्यादा नुकसान नहीं करता है, क्योंकि ये मक्के का आटे का बनता है, ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं रहता है। पहले हम टिक्की को फ्राई करेंगे, चपटी वाली टिक्की को सेकेंगे पहले हम। इसके लिए मैंने पैन रख दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक से टिक्की को रख देंगे। इसमें चार टिक्की ही आएंगी, ये टिक्की हम इसमें रख देंगे। टिक्की हमारी सिकने लगी है धीरे धीरे। हमारी सिक रही है, अभी थोड़ी सी क्रिस्पी होने में टाइम है, तभी हम इनको पलटेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि सिकने लगी, अभी नहीं सिकी हैं, इनको थोड़ी देर और पकने देते हैं, उसके बाद हम इनको पलटेंगे। टिक्की हमारी थोड़ी थोड़ी एक साइड से क्रिस्पी हो गई है, अब इसको हम आराम से पलट देते हैं। देखिए टिक्की हमारी एकदम गोल्डन होने लगी है। इससे टिक्की हमारी फूटे ना, ऐसे हमें इनको पलटना है। एक साइड से ये टिक्की गोल्डन हो चुकी है, आप देख रहे हो। अब इनको हम एकदम दबा दबा के डीप फ्राई करेंगे। नॉन स्टिक में इसमें नॉन स्टिक के पैन में कम तेल लगता है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि हमें एकदम क्रिस्पी टिक्की चाहिए, जो हाथ से फूटने लगे। टिक्की हमारी पूरी तरह से पक चुकी है,
ये इधर से भी पलट देते हैं। ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी हैं, ये देखो, ये अब इनको हम निकाल लेते हैं। इस तरह से अब हम इनको एक एक करके निकाल लेंगे। निकाल के इस प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम ऑयल बढ़ा देते हैं। अब हमारे गोल वाली टिक्की को हम तलेंगे, फ्राई करेंगे। हम ये हमने जो गोल लड्डू बनाए थे उनको हम फ्राई करेंगे। देखते हैं वो कितने होंगे फ्राई। तेल हमारा हीट छोड़ने लगा है, यानी गर्म हो गया है। इसमें थोड़ा चौड़ा है, इसमें बर्तन हमें सकरा लेना चाहिए तभी ये अच्छे से फ्राई होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसमें कर लेती हूँ। इसमें अब मैंने सारे डाल दिए हैं, एक साथ सारे लड्डू हमारे फ्राई हो जाएंगे। इनको ऐसे ऐसे हम पलटते रहेंगे, इनके ऊपर से भी हम थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग करते रहेंगे, गरम गरम तेल इनके ऊपर डालते रहेंगे जिससे ये आराम से अच्छे से पक सकें और चिपके ना। वैसे हमने इनमें अरारोट वाली पाउडर की कोटिंग की हुई है, इसलिए ये नहीं चिपकेंगे, लेकिन बीच बीच पे इनके ऊपर ऑयल डालते रहना चाहिए जिससे ये ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा पकते रहेंगे। अब इनको हम पलट के देख लेते हैं। ये क्रिस्पी देखो, ये फ्राई होने लगे हैं, थोड़े थोड़े गोल्डन हो चुके हैं। जब इनको हम दबाकर थोड़ा सा दबाते हैं एकदम इनमें से वो निकलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ये वाली टिक्की हमें बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट भी अच्छा आता है इसका। जब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी तब आप देखना, उस टिक्की से ज़्यादा टेस्ट रहता है इसमें। गोले भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। ये थोड़ा दबा के भी देख रही हैं, बहुत क्रिस्पी हो चुके हैं, ये देखिए। इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। लड्डू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको देखिए इस तरह से ये क्रिस्पी हैं। इन्होंने भी कम तेल पिया है, इन्होंने भी ज़्यादा तेल नहीं पिया है, ये देखिए। और देखने में भी कितने क्रिस्पी बने हैं ये। ये उस टिक्की से भी ज़्यादा बहुत टेस्टी लगते हैं, आप कभी बना कर देखना। इस तरह से हमने ये सारे लड्डू अपने फ्राई कर लिए हैं, एक एक से निकाल लिए हैं। अब दोस्तों अब हम इनको गार्निश करके दिखाते हैं कि ये टिक्की बनने के बाद, तैयार होने के बाद कैसी लगेगी। सबसे पहले करेंगे हम चपटी वाली टिक्की की। दो टिक्की हमने ले ली है। दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें अनारदाने डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, आप ट्राई करके जरूर देखना। टिक्की हमने ले ली है, पहले इस पे हरी चटनी डालेंगे। फिर ये लाल चटनी डालेंगे, खट्टी मीठी जो है।
इसके ऊपर फिर हम फैटी हुई दही डाल देंगे, ये घर का दही है फैटा हुआ। अब थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, इसके ऊपर फिर हम बारीक वाले सेव डाल देंगे, अच्छे से कोटिंग कर देंगे। इसके ऊपर फिर हम अनारदाने डाल देंगे, ये बारीक कटे हुए प्याज रखे थे वो डालेंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, आपको जो चीज पसंद ना हो आप नहीं भी डाल सकते हैं, और आपको और भी इसके साथ और भी चीजें पसंद हो वो भी आप इस पर डाल सकते हैं। एक बार फिर हम इसकी एक बार कोटिंग कर देंगे, खट्टी मीठी चटनी फिर से डालेंगे। अगर आपको दही ज्यादा पसंद ना हो तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। चपटी वाली चाट रेडी है, अब हम लड्डू वाली चाट बना के दिखाएंगे आपको। अब हमने दो लड्डू ले लिए हैं, इसको थोड़ा सा हम दबाएंगे, फोड़ लेंगे। सबसे पहले इनके ऊपर हम हरी चटनी डालेंगे, फिर फैटी हुई दही डालेंगे। दही से इन टिक्की का टेस्चर बहुत अच्छा लगता है, आप कभी बना के देखना। इसके ऊपर पहले हम सेव डालेंगे, इस पर भी हम अनारदाने डालेंगे, थोड़ी खट्टी मीठी टेस्ट देने के लिए हमने इसमें वो अनारदाने डाले हैं। अनारदाने से जो अनारदाना हमारे मुंह में फूटता है तो हमें मीठा मीठा भी महसूस होता है। अब इसमें हम खट्टी मीठी चटनी ऐड कर देंगे फिर से। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, फिर से हम सेव डालेंगे, अब हम चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाला डालने से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। डबल कोट कर देंगे इसमें हम, ये चाट भी आपको कैसी लगी? ये दोनों अलग अलग तरह की चाट हैं। इसको हम सर्व कर देते हैं, और इसके साथ मैंने दिए मीठे में दिया है मैंने गाजर का हलवा, इसको हम गाजर के हलवे के साथ सर्व करेंगे। दोस्तों आपको ये मेरी रेसिपी दोनों चाट दोनों अलग अलग तरह से जो मैंने बनाई है आपको वो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, लाइक करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।